हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कल यानी कि 8 अगस्त की शाम को एनटीए ने यू जी सी एन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जिसको सुनकर लगभग सभी उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सो so yes, ये स्टूडेंट्स ये परेशानी वाली बात है ही लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एन ने सिर्फ एक डिसीजन नहीं लिया है ये तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है लेकिन ये आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा कि सिर्फ एक डिसीजन एन ने नहीं लिया है फोर टू फाइव डिसीजन लिए हैं फोर टू फाइव अपडेट्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं सो so इस वीडियो में वो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एंड साथ ही इस परेशानी में जो स्टूडेंट्स अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन लोगों को इस समय पे क्या करना चाहिए हो सकता है बहुत से लोगों के हमने कमेंट्स पढ़े बहुत से स्टूडेंट्स की हमें क्वेरीज आ रही हैं एंड वो बहुत बड़ी डिसीजंस लेने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से स्टूडेंट्स आप लोग इसको एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सभी यूजी सीनेट उम्मीदवारों के लिए सो मेन कंटेंट पे जाने से पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसा कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है सो हमें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल चुका है सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक रिविजन पी फॉर यू जी नेट पेपर वन ये पी में आपको मिलेंगे टू थाउजेंड प्लस एम वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ एंड इसकी अच्छी बात ये है कि हिंदी प्लस इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो आपको ये क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं सो ये क्विक रिविजन पी डी एफ आपके एम से आपकी बहुत अच्छी रिविज़न करवाएगी एंड क्योंकि अब समय बहुत है तो पेपर वन को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो अगर अभी तक कुछ मिस हो चुका था तो पेपर वन का कंप्लीट क्रैश कोर्स भी है जो कि वन मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो गारंटीड कोर्स है ये इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट करना है सो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड दस पी के लिए आपको फी पे करनी है वो भी सिर्फ फाइव डबल नाइन सो लिमिटेड टाइम है जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पे सो so, पहले देखो स्टूडेंट्स पहला नोटिस तो यही है जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया है वो ये है कि एम जगदेश कुमार जो कि यू के चेयरमैन हैं उन्होंने ये नोटिस जारी किया था कि बारह तेरह चौदह अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी बीस तीस सेप्टेम्बर को होगा 20 एंड 30 सितंबर इसके बीच में कभी भी हो सकता है एग्जैक्ट शेड्यूल उन्होंने अभी भी जारी नहीं किया है इस डिसीजन को लेके बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्विटर पे ही ये अपडेट उन्होंने दिया था एंड ट्विटर पे ही स्टूडेंट्स क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो एन की फुल फॉर्म नेवर टेस्ट ट्रस्टिंग एजेंसी ये सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो एन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता आप देख सकते हो सब लोग कितना परेशान है बच्चों ने स्टूडेंट्स ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी एक साल लगा दिया छः महीने लगा दिए एग्ज़ाम की तैयारी करने में एंड लास्ट में होता क्या है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एग्जाम से लगभग पाँच छः छः चार से पाँच दिन पहले इस तरह का एक नोटिस आ जाता है तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इस तरह से भी बातें कर रहे हैं कि हम अभी यू जी एग्ज़ाम देंगे ही नहीं या फिर एग्ज़ाम ही आप क्या कीजिए एग्ज़ाम ही आप ऑफलाइन करवा दीजिए जैसे पहले होता था तो यस ये भी एक ऑप्शन है बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत से लोग अभी ऐसे आ रहे हैं बहुत सी जगह पे आप लोग ये चीज़ें सुन रहे होंगे कि वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग ट्विटर पे एक मुहिम छेड़ते हैं वहाँ पे हम एन के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे लेकिन अभी ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है ये सब मुहिम एंड ऑल ये सब चीज़ें अभी के काम की नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है अभी ये इससे पहले नहीं हो पाएगा तो अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग अपना टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए आप लोग अगर कहीं जॉब करते हो तो वो कीजिए सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फोर्टी डेज़ हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए लेकिन ये जो मुहिम है कि हम एन के खिलाफ ये करेंगे इकट्ठे होकर धरने देंगे इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है इस बार तो एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं है मे बी नेक्स्ट साइकिल में कुछ एन पे इस बात का फ़र्क पड़े वो अलग चीज़ है लेकिन इस साइकिल के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये चीज़ों पे आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा एंड एग्ज़ाम ड्रॉप करने की अगर हम बात करें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम को ड्रॉप करते हैं हमने इसकी तैयारी करनी ही नहीं है तो वो लोग भी अगर आपकी तैयारी देखो अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ा ही होगा तो उतना समय आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर आप ये एग्ज़ाम ड्रॉप करके कहीं और मूव करते हो तो ऐसा है कि फ़ोर्टी डेज़ मिले हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो उसी चीज़ को पढ़ो फिर से रिवाइज़ करो फोर्टी डेज़ की बात तो एग्ज़ाम होगा ही होगा बाद में क्या होता है वो बाद की बात है लेकिन फोर्टी डेज़ में एग्ज़ाम होगा ही होगा ठीक है एंड बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि यू जी नेट एग्ज़ाम एक तो पहले ही अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले एग्जाम होगा मर्द साइकिल्स का चल रहा है ये पहले ही एग्ज़ाम होगा फिर रिजल्ट आएगा फिर आगे कहीं एडमिशन लेंगे कुछ करेंगे ये होगा वो होगा येस yes, ये लंबा प्रोसेस है एंड इस तरह के बड़े एग्ज़ाम्स में टाइम लगता है स्टूडेंट्स तो आप लोगों को फिर से मैं यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए या कोई और काम ये गलती भी एनटीए की है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेरीज लेकर भी आ रहे हैं हैं कि हमने नेट एग्जाम के चक्कर में अपने बहुत से प्लान्स ड्रॉप कर रखे थे कि एग्जाम होते ही हम कहीं जॉब ज्वाइन कर लेंगे या फिर किसी ने जॉब से लीव ले रखी थी फिफ्टीन डेज की तो अभी उनकी लीव भी बेकार हो गई और एग्जाम भी नहीं हुआ ठीक है सो ये लोग भी अपनी जगह पे ठीक हैं एनटीए के डिसीजंस बहुत गलत होते हैं जैसे कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि एनटीए का काम कोई नहीं समझ सकता ना ही हम मतलब कोशिश करेंगे तब भी वो वेस्ट है ठीक है सो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट है एंटी ने कितने सारे अपडेट्स कल हमारे साथ शेयर किए हैं एक अपडेट जिसमें सबसे पहला तो यही है कि एग्जाम पोस्टपोन होकर के 12, 13, 14 अगस्त वाला 20 से 30 सितंबर के बीच में होगा इसमें टोटल 64 सब्जेक्ट्स वो कवर करेंगे साथ ही उन्होंने दूसरे नोटिस में ये बोला है कि तेलुगु एंड मराठी एग्जाम जो कि जुलाई में होने थे आपको याद होगा एग्जाम से दो दिन पहले ये पोस्टपोन हो चुके थे वो एग्ज़ाम भी अभी नहीं होंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ही एग्ज़ाम है मैक्सिमम यही स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम देते हैं तो इसके स्टेट के अपने भी कोई एग्जाम्स हैं इस वजह से जो है ये एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं पोस्टपोन मतलब ये एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं होंगे ये भी पोस्टपोन हो चुके हैं साथ ही एनटी ने नोटिस रिलीज़ किया है जिसपे हमें फिर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ये नोटिस है कि इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट आपको 11 सितंबर को मिल जाएगी एंड एडमिट कार्ड्स आप लोगों को 16 सितंबर को मिल जाएंगे हमेशा एन ने यही बोला है जैसे कि इस बार भी 5 अगस्त को बोला था कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड कोई नोटिस आ जाएगा लेकिन नोटिस तब तक नहीं आया था तो इस बार भी हमें फिलहाल तो ट्रस्ट नहीं है आ जाए तो बहुत अच्छी बात है एक यहाँ पे अच्छी बात शेयर की है इन्होंने ये कि बहुत से फेक नोटिसज़ जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे तो आप लोग उन पर विश्वास ना कीजिए आप लोग यू जी सी नेट के ऑफिशियल साइट पे चेक कीजिए तो स्टूडेंट साइट पे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ये नोटिस जो कल ट्विटर के थ्रू एन ने शेयर किया था वो अभी तक भी इन्होंने साइट पर अपलोड नहीं किया है वो मे बी शाम तक या कल तक हो जाएगा लेकिन अभी तक तो वो नहीं था ठीक है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 11 अगेन फिर से फिर से यही बातें बोली गई है यहाँ पे ठीक है सो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है इसी के साथ स्टूडेंट्स यू जी नेट पेपर टू का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये स्टडी मटीरियल बिल्कुल गारंटिड है एंड मैं बता दूँ कि पेपर टू बहुत अच्छा आप इस पेपर से स्कोर कर सकते हो क्योंकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यही सब्जेक्ट था लेवल थोड़ा सा यूजीसी नेट का हायर होता है बट कोर सब्जेक्ट वही होते हैं ठीक है सो इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको मिलेंगे फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एम ये सारे नोट्स एंड एम बिल्कुल अपडेटेड हैं बिल्कुल गारंटीड हम आपको देते हैं टोटल 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे इसमें से जो भी आपका पेपर टू का सब्जेक्ट है आप उसको देख सकते हो एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए जैसे कॉन्टैक्ट करते हो पंद्रह से बीस मिनट में आपको ये स्टडी मटीरियल मिल जाएगा इसके लिए आपको सिर्फ़ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए एंड आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स